मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से सामने आया मायावती का पहला रिएक्शन है, कही ये बड़ी बात। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार की सुबह एक पोस्ट में लिखा, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है, कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। पूर्वांचल में आतंक का दूसरा नाम था माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई है। मुख्तार की मौत के बाद बसपा प्रमुख मायावती का पहला रिएक्शन सामने आया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार की सुबह एक पोस्ट में लिखा, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है, कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। बता दें मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था और एक कार्डियक अरेस्ट होने पर गुरुवार को शाम 8:25 पर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। 9 डॉक्टरों की टीम ने ICU में उसका इलाज शुरू किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।